हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सिक्स का मैथ सम करेंगे चैप्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटीजर्स, इसी चैप्टर के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो चलिए क्वेश्चंस पे सीधा चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख पा रहे हैं, इसका आपको बी पार्ट दिया गया था होमवर्क के लिए। उम्मीद है बच्चों आप सब ने ये होमवर्क जरूर पूरा किया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस पॉइंट जी, पॉइंट जी कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट जी, ठीक है, ये सब देख पा रहे हैं। तो ये पूछा गया है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ये देख के बताना है कि ये नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो सीधा आपको देख के पता लग रहा है भाई जी कहाँ पे है, जी के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है, -6, और -6 नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव। भाई जहाँ पे माइनस आ गया इंटीजर के सामने, दैट मीन्स वो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चों इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सब भी आप करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी पार्ट्स इसके। तो स्टूडेंट्स ये सब इसके पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं पार्ट सी डी। तो ये पार्ट्स भी आपको सॉल्व करने हैं। इसमें क्या बोला गया है, बिंदु बी और ई, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखने हैं आपको कि भाई बिंदु बी कहाँ है, बी ये रहा, और ई कहाँ है, ई भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बी और ई इनके जो संगत पूर्णांक है वो आप यहाँ पे नोट लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, क्या होंगे इनके बी और ई के संगत पूर्णांक। और दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। आपको संख्या रेखा पर अंकित बिंदुएं दिख रही हैं, तो सबसे कम मान जिसका है वो आपको बताना है। तो भाई वैल्यूज मान आप कंपेयर करेंगे तो आप चेक करके बता सकते हैं कि सबसे कम मान किसका होगा। तो एक बार इनको देखें, नोट डाउन करें और फिर हल करें स्टूडेंट्स। जिसका भी आंसर आ जाता है हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकता है। तो जल्दी से सॉल्व करें इनको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आंसर पता लग जाए। देखिए बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक आपको चेक करने हैं,
तो बिंदु बी जो है उसका पूर्णांक क्या होगा, चेक कर लीजिए आप, बी का पूर्णांक तो 4 है ना, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। और बिंदु ई का देखना है आपको, बिंदु ई का पूर्णांक क्या हो गया बच्चों, बिंदु ई का पूर्णांक -10 है, तो -10 यहाँ पे लिख देंगे। बस इतना ही तो लिखना था भाई, जो पूर्णांक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ई का कौन सा पूर्णांक है -10, और बी के सामने 4 लिखा है, बस वही लिखने हैं, यही इनके संगत पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, पार्ट डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो भाई सबसे कम किसका मान होता है, जितना 0 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतना मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नीचे की तरफ जितना जाएंगे उतना ही मान घटेगा, तो सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है उसी का मान सबसे कम होगा। तो सबसे नीचे है ई, पॉइंट ई, तो पॉइंट ई कितना है, पॉइंट ई है -10। तो पॉइंट ई का मान सबसे कम है, क्लियर है, सबसे कम मान किसका है ये आपको बताना है, तो पॉइंट ई जो है उसका मान सबसे कम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि बच्चों ये आपको कोई इसमें डाउट ना रहे, अगर कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं बच्चों, तो हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अब सबको विजिबल है, सब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। तो भाई ये भाई आपको लिस्ट दे दी गई है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इन 5ों जगह की जो टेम्परेचर है उसकी आपको लिस्ट दी गई है। जैसे सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ये नंबर लाइन आप देख पा रहे हैं, तो उस पे आपको देखना है कि भाई 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम है तो कितना होगा टेम्परेचर, आपको वो यहाँ पे लिखने हैं, इसके पार्ट्स हल करने हैं बच्चों, सॉल्व करने हैं। जैसे राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। तो यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है उसमें इंटीजर के रूप में आपको इसके मान लिखने हैं, टेम्परेचर के तापमान कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्ट इसका यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बाकी पार्ट्स आप कर पाएं। अब आपको बोला गया है कि भाई 0 डिग्री से 10 डिग्री कम, 10 डिग्री सेल्सियस कम मतलब हम जहाँ पे कम की बात होती है वहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस कम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा किसका, सियाचिन का। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री कितना होगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है, 30 डिग्री सेल्सियस अबाव 0 ये कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस अबाव और 5 डिग्री सेल्सियस अबाव, मतलब जहाँ पे बच्चों अबाव मतलब होता है ऊपर और बिलो मतलब होता है नीचे, या फिर अबाव मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा हो गया, अगर 0 से 5 ज़्यादा बोल रहे हो तो 5 अबाव 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई 0 से 10 ज़्यादा कितना होता है, तो 10 ही होता है 0 से, लेकिन 0 से 10 कम कितना होता है, -10 होता है। तो बस यही आपको सिंपल सी चीज़ है, 0 के साथ आपको बता रखा है भाई, 0 रेफरेंस मानते हुए कि कौन सा नंबर 0 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है, वही आपको लिख देना है। जैसे मैंने सियाचिन का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा, उसी तरह से बाकी शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इन सब का टेम्परेचर आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको और हल करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन को, जिसका भी आंसर आ जाता है हैंड रेस करके अपने आंसर बता देंगे।
तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपके लिए पहला पार्ट ए जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। अब कंप्लीट बता देता हूँ, आप चेक करते रहना कि क्या आपके आंसर सही आए थे। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम बोला है, बिलो मतलब होता है कम, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री नीचे कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस, भाई कम होगा तो हम 0 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, और लेफ्ट की तरफ क्या है, माइनस के नंबर्स आते हैं, और 0 के राइट की तरफ क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर्स, प्लस वाले इंटीजर्स आते हैं। अब जैसे 30 डिग्री अबाव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री ज़्यादा बोला गया है, ज़्यादा मतलब भाई पॉजिटिव होगा, और ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस अबाव 0 मतलब हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री बिलो 0 मतलब 0 से 5 डिग्री कम, यानी -5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से सीधा सीधा आपको ये लिखना है। बस इंटीजर्स तो आपके यही रहेंगे, इसमें आपको कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा यही चेक करना था। तो ये आपके आंसर्स हो गए पार्ट वन के, इसको नोट डाउन करेंगे। सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, क्या बोला गया, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर आ गया है आपके सामने, अब क्या करना है, जो आप यहाँ पे जगह देख रहे हैं उस पे आपको इस नंबर लाइन पे ही आपको टेम्परेचर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ भाई, -10 डिग्री सेल्सियस किसका है, -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है किसका है, सियाचिन का है। तो यहाँ पे आपको लिखना है -10 डिग्री सेल्सियस के सामने सियाचिन, क्लियर है, यहाँ पे सियाचिन लिख देंगे। ऐसे ही -2 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, शिमला, तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लॉट करेंगे आप, फिर लिखेंगे शिमला। इसी तरह से सभी के सभी टेम्परेचर आप यहाँ पे प्लॉट करके और उनकी सिटीज के नाम वहाँ पे लिख देंगे। ये पार्ट टू होगा, इसको जल्दी से सॉल्व करो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में देखिए, हमने सियाचिन को प्लॉट किया है, बाकी शिमला को प्लॉट करना है अभी। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे 0 है तो -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा शिमला। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको अहमदाबाद का प्लॉट करना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ जाएगा अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद यहाँ पे आप लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस किसका है, श्रीनगर, तो ये आ जाएगा श्रीनगर। और दिल्ली का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे दिल्ली आप लिख देंगे। ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर। तो इस तरह से बस नंबर लाइन पे आपको ये नाम प्लॉट करने थे कि किसका टेम्परेचर कितना है, वो सिटीज के नाम यहाँ पे लिख देने थे। अब बताना है पार्ट सी में, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सिटी का टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। ये तो आपको पता है कि तापमान जितना कम होता है वही ठंडा उतना वहाँ पे ज़्यादा होता है, और तापमान जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा गर्म होगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे ठंडी जगह कौन सी है। राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। अब डी पार्ट में बोला गया है कि भाई उन जगह के नाम लिखने हैं जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, मतलब ज़्यादा है 10 डिग्री सेल्सियस से। तो कौन सी जगह का 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ये भी आपको यहाँ पे नंबर लाइन में देख के लिख देंगे। तो जल्दी से सी और डी पार्ट को सॉल्व करो, आंसर बताओ।
तो स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स भी आपके सॉल्व हो गए होंगे अभी तक। जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ पे ध्यान दे, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है भाई जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे कम टेम्परेचर किसका है, -5। -5 से भी कोई कम है भाई, -10 -5 से कम है, बाकी इससे ज़्यादा है। मतलब -10 से कम किसी का टेम्परेचर नहीं है, तो सबसे कम -10 है वो किसका है, सियाचिन। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा होगा, सियाचिन भाई, जिसका तापमान सबसे कम होगा वही तो कूलेस्ट प्लेस होगा। सबसे कम -10 है जो कि सियाचिन का तापमान है। राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाव 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो एक तो अहमदाबाद का और एक दिल्ली का है, तो आप अहमदाबाद एंड दिल्ली, इनके नेम ही तो लिखने हैं, ये आपने नेम इनके लिख दिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें स्टूडेंट्स। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अभी हम साथ में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। तो भाई राइट की तरफ पूछा है नंबर, कौन सा नंबर है राइट की तरफ ये आपको बताना है। तो एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे और फिर आंसर करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो बता दीजिए आप। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिए। सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन को इजीली। अब देखिए कि यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर लाइन क्या होगी, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैं एक नंबर लाइन संख्या रेखा यहाँ पर खींच देता हूँ। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं भाई, इसमें क्या है, 2 और 9 है ना, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 और 9 आ गए दोनों में भाई। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स हम नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो आना जरूरी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोला गया है विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर नंबर, अदर ऑन द नंबर लाइन। तो भाई आपसे ये पूछा गया है कि दो नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, कौन से दो नंबर दिए गए हैं, एक तो 2 है और एक 9 है। तो भाई किसी एक नंबर के दूसरा नंबर राइट में होगा, राइट मतलब बच्चों दाईं तरफ, तो दाईं तरफ कौन सा नंबर है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर 9 को लें तो 9 के लेफ्ट साइड में है 2, मतलब बाईं तरफ है 2, लेकिन हमें चाहिए दाईं तरफ वाला। तो 2 के दाईं तरफ क्या हो जाएगा, 2 के दाईं तरफ हो जाएगा 9, है ना। तो 9 इज टू द राइट ऑफ 2, है ना, 9 है राइट की तरफ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9 इज टू द राइट ऑफ 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। हमें तो राइट वाला चाहिए, आपका राइट हैंड कौन सा है, दाएं हाथ कौन सा है, ये दाएं हाथ है ये बाएं हाथ है, तो दाएं हाथ की तरफ होगा 2 से, देखिए दाएं हाथ की तरफ है 9, लेकिन 9 से तो बाएं हाथ की तरफ 2 है, इसीलिए हमें कौन सा लिखना है, जो राइट की तरफ है वो नंबर लिखना है। तो राइट की तरफ तो 9 है, तो
9 हो गया राइट ऑफ 2। इसी तरह से बच्चों बाकी नंबर्स देखिए, पार्ट बी सी डी ई एफ, ये सभी पार्ट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए बच्चों और कोशिश कीजिए बाकी के पार्ट्स हल करने की। तो स्टूडेंट्स आप सबने नोट डाउन कर लिया है बच्चों, किसी का रह गया हो तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब क्या करना है आपको, ये जो बाकी के पार्ट्स आप देख रहे हैं ये आपका होमवर्क होगा बच्चों, ठीक है। एक पार्ट मैंने करके बता दिया इसका पहला भाग, अब पार्ट बी सी डी ई और एफ ये सब आप होमवर्क में करेंगे। इसीलिए मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन को, तो अपना होमवर्क जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।